हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एनसीईआरटी एक्सआई 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमारा है क्या। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, और हमें कुछ संख्या दे रखी है, उनको हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। देखिए, इन्हें करना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये आपका, लेकिन समझना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि सब पे आता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 140। हमको 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर 140 लिख लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख लिया 140, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक सीधी लाइन खींचूंगा और एक टेढ़ी लाइन। किस तरीके से? सीधी लाइन इस तरीके से और टेढ़ी लाइन इस तरीके से, दो लाइनें मैं खींच लूंगा। अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें दो से भाग देते हैं। दो से भाग देंगे। देखिए, एक ट्रिक मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8, इन पांचों में से कुछ भी दिख जाए किसी संख्या के लास्ट में, तो उसमें दो से भाग चला जाता है पूरा का पूरा। तो देखिए, मुझे यहाँ पर लास्ट में मिल रहा है 0, जो कि यहाँ पर है, तो मैं इसमें दो से भाग दे सकता हूँ। तो मैं इसमें दो से भाग दे सकता हूँ, तो मैं इसमें दो से भाग दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 140 में दो से भाग दिया। तो देखिए, ये आपका गया 2 सत्ते हो गए हमारे 14, यहाँ पर 7 बार और 0 का 0, 70 बार चला गया 2 से। अब देखिए, क्या मैं 70 में दोबारा 2 से भाग दे सकता हूँ? तो जी बिल्कुल दे सकता हूँ, क्योंकि इसके भी लास्ट में 0 है। तो देखिए, मैं यहाँ पर दोबारा भाग दूंगा 2 से। इसमें आप देखिए, 2 दिया हुआ है हमारे 6, 1 बचा और ये हुए 10, और 2 बचे होते हैं हमारे 10, तो ये गया हमारा 35 बार। अब देखिए, क्या मैं 35 में 2 से भाग दे सकता हूँ? तो 35 के लास्ट में भाई 5, तो इसमें 2 से भाग तो आपका जाएगा नहीं। 2 से भाग कर दिया था जब लास्ट में ये वाले कंप्लीट हैं। अब देखिए, 2 के बाद हम चेक करते हैं 3 से, कि क्या 3 से भाग चला जाएगा? तो देखिए, इसमें 3 से भी नहीं जाएगा। 3 से भाग चेक करने का तरीका है कि इसके अंकों को जोड़ दीजिए आप। अगर मैं 35 के अंकों को जोड़ूंगा, 3 और 5 होते हैं मेरे 8, और 8 तो 3 से कटता नहीं है, तो ये जो मेरी संख्या है 35, ये भी 3 से नहीं कटेगी। अब देखिए, 3 के बाद हम देखते हैं 5 से, 4 से हम चेक नहीं करते, क्योंकि जब किसी संख्या में 2 से भाग नहीं गया तो उसमें 4 से भी नहीं जाएगा। तो हम 3 के बाद सीधा आते हैं 5 पर। तो देखिए, क्या 5 से भाग जा रहा है? तो देखिए, किसी संख्या के लास्ट में अगर मुझको 0 मिल जाए या 5 मिल जाए, उस संख्या में 5 से भाग जाता ही जाता है। तो यहाँ पर मुझे लास्ट में 5 दिख रहा है, तो इसमें 5 से भाग चला जाएगा, तो मैं 5 से भाग लूंगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 5 से भाग दिया, ये जाएगा मेरे 7 बार, क्योंकि 5 सत्ते होते हैं 35। अब देखिए नीचे, क्या 5 से दोबारा भाग जाएगा? तो भी नहीं, 7 पूरा पूरा नहीं कटेगा 5 से। अब 7 में हम 7 से ही भाग देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं 7 से भाग देता हूँ, कितना गया 1 बार। भाग हम जब तक लेते रहते हैं जब तक नीचे 1 ना आ जाए, ठीक है। अब देखिए, हमारे यहाँ पर नीचे 1 आ गया, तो भाग लेना बंद, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके से सिर्फ हमको कुछ चीज़ें और लिखनी है। क्या क्या लिखना है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको मिटा दूँ, यहाँ पर भी मैंने साइड में लिखा हुआ है। अब देखिए, अगला काम हमको क्या करना है, जो हमारी संख्या थी उसको यहाँ पर लिख दीजिए साइड में। संख्या थी हमारी 140, मैंने यहाँ पर 140 लिख दिया साइड में। इसके बाद एक बराबर का निशान लगाना है, यहाँ पर एक बराबर का निशान लगा दिया, और ये मेरी जो भी संख्या है इनके बीच में गुणा का चिन्ह लगाकर लिख देना है बस। तो देखिए, मैं इसको लिखता हूँ, पहली संख्या मेरी 2 है, और 2 गुणा दूसरी संख्या भी 2 है, फिर गुणा तीसरी संख्या है 5 गुणा, और चौथी संख्या मेरी 7। तो मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया। अब देखिए, 140 जो है वो बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 के। अगर मैं इसका गुणा भी करूँ इधर वाली संख्या को, तो मेरी यही संख्या आ जाएगी, 7 5 35, 35 2 70 और 70 2 140, ठीक है। अब देखिए, आंसर तो हमारे यहाँ तक ही हो गया, यही हम आंसर कह सकते हैं।
लेकिन इसको घात के रूप में और लिख सकते हैं, जो कि एक अच्छा और तरीका माना जाता है। मतलब आंसर तो हमारे यहाँ तक भी है, लेकिन हम इसको और सजा सकते हैं थोड़ा किस तरीके से कि जो संख्या हमको गुणा में बार बार दिखाई दे, जैसे यहाँ पर दो दो बार है तो हम इसको लिख सकते हैं दो की घात दो। अगर तीन बार होता तो लिखते दो की घात तीन। अगर एक संख्या गुणा में बार बार लिखी जा रही है तो उसको हम घात के रूप में लिख देते हैं। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ दो, और देखिए दो गुणा में दो बार है तो दो की घात दो, दो के ऊपर दो का निशान बना दूंगा, तो छोटा मतलब दो लिख दूंगा, ये हमारा घात रूप होता है। नीचे वाली संख्या को आधा कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं घात। अब देखिए गुणा का निशान, अब यहाँ पर पाँच एक ही बार है तो सिंगल पाँच लिखा जाएगा और गुणा में सात एक ही बार, क्योंकि तो एक बार है। अगर ये भी ज्यादा बार होते तो हम इनकी भी घात लिख देते और फाइनली ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको करने हैं सभी क्वेश्चन। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों जो बाकी क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से आपके हल हो जाएंगे। एक बार उन्हें आप खुद स्वयं करके देखना अगर आप कर सकते हैं तो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में करके बता देना, तो मैं अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपके लिए कर दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।